मैं हूं आयुष्मा और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। सलमान खान से जुड़ी किसी भी बात को फैलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, वो भी जब बात अपने फेवरेट सुपरस्टार के उम्र से जुड़ी हो। जी हाँ, एक वायरल फोटो की माने तो सलमान खान 64 साल के हैं, ना कि 51 जैसा कि वो सबको बताते हैं। इससे पहले कि आप सदमे में चले जाएं, हम आपको बता दें कि ये तस्वीर एक बहुत बड़ी गलती है। जी हाँ, दरअसल हैदराबाद में एक व्यक्ति के वोटर आईडी कार्ड पर सलमान की डिटेल्स और तस्वीर थी। नाम के कॉलम में था सलमान खान, पिता के नाम के कॉलम में था सलीम खान और उम्र 64 साल। अब जिस व्यक्ति का ये वोटर कार्ड था उसे वोट देने की अनुमति नहीं थी। आईडी कार्ड पर सलमान खान की ही फोटो भी थी, यही कारण था कि कुछ ही देर में ये तस्वीर वायरल हो गई। बहरहाल हम आपको बताते हैं कि किन किन फिल्मों से जुड़े हैं सलमान खान। कबीर खान के निर्देशन में बन रही फिल्म ट्यूबलाइट 2017 के ईद पर रिलीज होगी। सलमान खान अपनी फिल्म एक था टाइगर की सीक्वल टाइगर जिंदा है में नजर आने वाले हैं। फिल्म 2017 दिसंबर में रिलीज होगी। फिल्म का निर्देशन अली अब्बास जफर करने वाले हैं। रेमो डिसूजा के निर्देशन में बन रही ये एक डांस ड्रामा फिल्म है। फिल्म में सलमान 13 साल की बेटी के पिता के रूप में दिखेंगे। इस फिल्म के लिए सलमान खान स्पेशल डांस ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। फिर से एक बार सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा की दबंग जोड़ी धमाका करने के लिए तैयार है। फिलहाल फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम किया जा रहा है। 2014 में आई फिल्म किक के सीक्वल पर भी काम किया जा रहा है। आपको बता दें, इस फिल्म में सलमान डबल रोल निभाते नजर आएंगे। सलमान इस फिल्म के हीरो भी होंगे और विलन भी। अफवाहों की माने तो कबीर खान ने अपनी चौथी फिल्म के लिए सलमान खान को लॉक कर लिया है। ये फिल्म 1983 वर्ल्ड कप पर होगी। यशराज फिल्म्स की धूम 4 से भी सलमान खान लगातार जुड़े हुए हैं। हालांकि इस फिल्म के कास्ट को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बॉलीवुड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।